हेलो माय यूट्यूब फैमिली से हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली मामा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली। ऐसे करना जरूरी नहीं, दूर से भी कर सकते आप। क्या? हेलो माय यूट्यूब फैमिली। ऐसे ऐसे तो चलो मजाक को छोड़ते हैं, आज का टॉपिक बहुत सीरियस होने वाला है और मैं फिर से आ गई हूँ मम्मा के साथ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फैमिली, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही संदिग्ध टॉपिक के ऊपर, बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स। क्योंकि हमारी इस बारे में अभी बात भी चल रही, तो मैंने सोचा क्यों ना दुनिया के सामने भी ये चीज़ भी रखी जाए ना। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि गर्ल्स की लाइफ तो डिफ़िकल्ट होती है, बट बॉयज़ की लाइफ भी इजी नहीं होती है। तो मैं बॉय का फेवर लूँगी और मम्मा लेंगे गर्ल का। गर्ल्स का फेवर लेंगे मम्मा। मम्मा बोलेंगे गर्ल्स की लाइफ कैसी होती है और बॉयज़ की लाइफ होती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती हूँ, है ना। ये बात मैं अच्छे से बोल सकती हूँ कि जब भी किसी लड़के का जन्म होता है ना, तो सब में बहुत खुशी का माहौल होता है ना। सब बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि घर में लड़का हुआ है। बिकॉज़ हमारी जो सोसाइटी अभी भी उनकी ये मेंटेलिटी है कि लड़का मतलब वंश आगे बढ़ेगा। तो ये एक अच्छी बात भी है और बुरी बात भी। इसके बारे में मैं कोई बात नहीं बोलना चाहूँगी, बिकॉज इस चीज़ के लिए मैं गर्ल बॉयज़ को इक्वल रखती हूँ। अब आप बोलो मम्मा गर्ल के बारे में। बेटा पहले होता था, पहले के ज़माने की लड़कियों को जब किसी घर में पैदा होती थी लड़की, तो अच्छा नहीं मानते थे कि लड़की का जन्म हुआ है। हाँ। और अब तो खुशी भी होती है घर में कि हाँ बेटी पैदा हुई है, तो खुशी मानते हैं। अच्छा चलो, वो उनकी बात होगी। अब आप मेरी बात बताओ, जब मैं पैदा हुई थी तो कैसा लगा था? क्योंकि मैं सबसे बड़ी लड़की हूँ घर में। तेरे पैदा होने में तो बहुत खुशी हुई थी सभी को। सब ने लड्डू बांटे थे हमने सबको, पूरे गाँव वालों को, क्योंकि पहला बच्चा हुआ था, बेटी पैदा हुई थी, तो बहुत खुशी हुई थी। अच्छा, तो आपने दुनिया का पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि लोग खुश नहीं होते थे पहले, है ना। अभी बहुत सारी जगह पे है ऐसा, कई जगह पे है ऐसा कि बेटियों को मतलब पैदा होने पे खुशी बिल्कुल नहीं मानते। चलो चलो, इस पॉइंट से मैं सहमत हूँ, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, थोड़ा बड़े हो जाते हैं। जैसे ही लड़के थोड़ा समझदार हो जाते हैं ना, तो उनको ये बताना शुरू कर दिया जाता है कि यू आर अ बॉय एंड यू कांट क्राई। मतलब चाहे तुम हर्ट हो जाओ, चाहे तुम्हें चोट लगे, चाहे तुम्हें मार पड़े, चाहे तुम्हें जो मर्जी हो, लड़के रोते नहीं हैं, मर्द नहीं रोते। ऐसा मुझे बिल्कुल गलत ये चीज़ लगती है। लड़के क्यों नहीं रोते यार? लड़के रो सकते हैं क्योंकि लड़कों में भी तो इमोशन होता है ना, उनको भी तो अपना इमोशन कहीं ना कहीं जाहिर करना है। तो लड़के रोते हैं और रोना चाहिए लड़कों को। तो मैं अपनी तरफ से ये बोलूँगी कि बॉयज़, अगर आप कहीं पे भी आपको इमोशनल या वीक फील करें या कुछ भी फील करें, यू कैन क्राई इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, अकेले में जैसे आप सेटिस्फाई हो, बट आपको क्राई ज़रूर करना चाहिए। मतलब आपको रोना चाहिए, जो आपको रोना रहा तो आपको रोना चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा है कि जो मर्द होता है वो रोता नहीं, ये सिर्फ सोसाइटी ने फालतू बातें बनाई हैं। चलो मम्मा, अब आप बताओ ज़रा गर्ल के बारे में। लड़कों के लिए ऐसे बोला जाता है, बट लड़कों का मन स्ट्रांग होता है, भगवान ने लड़कों का दिल स्ट्रांग बनाया होता है। ऐसा नहीं होता, लड़कों को रोना भी नहीं आता है। क्यों ऐसा नहीं होता मामा? हाँ। लड़कों को बचपन से ये बोला जाता है कि तुमने रोना नहीं है, लड़के नहीं रोते, मर्द नहीं रोते, सब हंसेंगे। ऐसा होता है? ऐसा नहीं बोलता कोई नहीं। कौन बोलता है ऐसा? क्यों सब ये बोलते, तू लड़का लड़का हो क्यों रो रहा है, तू लड़के नहीं रोते, लड़कियां रोती हैं। तो जैसा मर्जी बोले, फिर भी लड़के मतलब हद तक नहीं रोना आता है लड़कों को, क्योंकि भगवान ने उनका दिल पहले स्ट्रांग बनाया होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान ने सबको इक्वल बनाया, लड़का लड़की को इक्वल बनाया। ऐसा कुछ नहीं होता कि लड़कों का दिल स्ट्रांग होता है और लड़कियों का दिल स्ट्रांग नहीं होता। लड़कियों का ऐसा होता है कि लड़कियां इमोशनली वीक होती है, क्योंकि उनको वैसे एनवायरनमेंट में रखा जाता है, इसलिए लड़कियां वीक होती है। और लड़कों को ऐसे बनाया जाता है कि तुम रो नहीं सकते भाई, तुम मर्द हो, तुम रो नहीं सकते, इसलिए वो खुद को सख्त कर लेते हैं। इसलिए लड़कों को ज़्यादा हार्ट अटैक आता है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो अपनी बात किसी से शेयर ही नहीं कर पाते, अपने इमोशन किसी के सामने रख ही नहीं पाते, इस वजह से। अब लड़कियों के बारे में बोलो, आप सेटिस्फाई हैं मेरी इस बात से? क्यों वुमेन्स में कम हार्ट अटैक आता है और मैन में ज़्यादा आता है? क्योंकि उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, अपनी बातों किसी शेयर ही नहीं कर पाते, रो ही नहीं पाते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं लड़के। अब गर्ल के लिए बोलो आप, झूठनी है। लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं ना, तो उनको घर के काम काज में लगाया जाता है कि घर का काम सीखो, तुमने अगले घर में जाना है, अगले घर का संभालना है, अगले घर संभालना है के काम में लगाया जाता है उनको। और पढ़ाई लिखाई के लिए बोला जाता है कि ये तो सब बाद में भी होता रहेगा, पहले घर का काम सीखो। वैसे पहले के ज़माने में बोला जाता था, आजकल तो लड़का लड़की एक बराबर है ना। आजकल अभी बहुत सारी जगह पे नहीं है, आजकल इतना दबाव नहीं डाला जाता लड़कियों के ऊपर जितना पहले डाला जाता था। तो मतलब अब आप मानते हैं कि ठीक है इक्वल इक्वल है ना, तो फिर आप कैसे बोलते हैं कि लड़कियां ज्यादा आजकल बेटा बेटी बराबर है? तो आप कैसे? अब तो बहुत कम घरों में देखा जाता है ऐसे कि बेटियों से ज़्यादा वो होता है और बेटों से काम नहीं कराया जाता इतना, अब तो बराबर ही है, पर होता है बहुत जगह पे भी ऐसा। अच्छा चलो, नेक्स्ट पॉइंट अब मैं बोलती हूँ। ये थी वो वाली बात, जब बच्चे लड़के थोड़ा बड़े हो जाते हैं टीनेज पे, तो उन पे आता है पीयर प्रेशर प्लस पेरेंट्स प्रेशर।
जैसे बड़े हो जाएंगे तो कंपनी कैसे मिलेगी भाई, गॉड नोज कि कैसी कंपनी मिलेगी लड़कों को। अच्छी कंपनी मिल गई तो वेल एंड गुड, अगर थोड़ी गलत कंपनी मिली तो वो गलत संगत में पड़ के गलत आते एक्सेप्ट, मतलब वो अपने अंदर गलत आते लेना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। अब इस चीज़ के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि आई नो वो गलत है, उनको भी थोड़ी अकल होनी चाहिए, बट इतनी अकल नहीं होती है तो पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए उनको, है ना। उनको बोलना चाहिए कि बेटा दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट, ये आपको करना है, ये आपको नहीं करना है। ये नहीं है कि उनको मारने पीटने लग गए, उनको बोलने लगे इससे दूर हो जाओ उससे दूर हो जाओ। अच्छी बात है बट इन अ गुड वे आपको उनको समझाना चाहिए। अगर आप प्रेशर उन पर डालोगे तो वो और ज़्यादा अपोजिट जाएंगे, बिकॉज उस टाइम एज ही ऐसी होती है, टीन एज बोलते हैं ना, तो क्यों बोलते हैं टीन एज, क्योंकि उनका उस टाइम माइंड सेट ही कुछ ऐसा होता है कि पेरेंट्स गलत बोल रहे हैं और जो फ्रेंड्स हैं वो सही है, क्योंकि माइंड सेट ही ऐसा होता है। तो लड़कों को प्यार से समझाओ, मारना फटकाना हर बार ज़रूरी नहीं होता है, हो सकता है वो आपकी बात समझ जाए, अगर नहीं समझ रहे तो फिर से समझाओ, और अगर फिर भी नहीं समझ रहे हैं तो आप सेकंड मेथड यूज़ कर सकते हैं, बट पहले आप उनको प्यार से समझाओ। नेक्स्ट, जब गर्ल्स टीन एज पर आती तो गर्ल्स के साथ क्या होता है मुझे बताओ ज़रा। अब मैं बेटियों के बारे में बताती हूँ कि बेटियों को कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है टीन एज में, जब उनको पीरियड्स आते हैं तो उनको कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, कभी पेट में दर्द होती है उनके, कभी कभी उनके कहीं दर्द होती है, तो फिर घर वाले तो यही सोचते हैं कि बेटी काम करे घर पे, और वो बेटियों के बारे में नहीं सोचते कि उसको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, कोई कोई माँ बाप सोचते हैं इस बारे में, और लड़के भी उनके बारे में अच्छे बुरे कमेंट पास करते रहते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। लड़कियों को समझना चाहिए, चाहे वो लड़का है, चाहे घर वाले हैं, चाहे कोई भी है। इस बात से मैं सहमत हूँ कि लड़कियों के ऊपर ये सब कुछ होता है, बॉडी चेंजेस वगैरह आते तो कमेंट्स करते हैं, बॉयज़ कमेंट करते हैं, कोई भी कमेंट करता है, या फिर घर वाले भी उनकी सिचुएशन नहीं समझते, इस चीज़ पे मैं एग्री करती हूँ, बिकॉज मैं खुद भी एक गर्ल हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड। चलो ये तो होगी टीनेज की बात, अब उससे आगे बढ़ते स्टडी वगैरह सब कुछ कंप्लीट होगी, उसके बाद क्या होता है लड़कों पे होता है जॉब का प्रेशर, और उधर वीडियो भी बन रही है। चलो अब हम बात करेंगे, टीनेज ख़त्म होगी लड़की की, अब लड़के की, अब आएंगे जॉब की तरफ। जैसे स्टडी कंप्लीट हुई ना लड़के की, वैसे ही सब सोसाइटी, घर वाले सब उसका दिमाग खाना स्टार्ट कर देंगे, जॉब 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 जॉब। भाई उसको पहले अपनी लाइफ तो जीने दो, क्या जॉब जॉब, है ना, जॉब की क्या ही बात होगी, जॉब करेगा पूरी उम्र पड़ी है जॉब करने के लिए, बट उसको अपनी लाइफ तो इन्जॉय करने दो थोड़ी बहुत, और जॉब भी कर लेगा जब टाइम आएगा तो जॉब भी कर लेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि उसने अब जीना है, ज़िंदगी जीनी है तो जॉब तो करनी पड़ेगी, तो कर लेगा जॉब, इतना ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। और जब प्रेशर पड़ता है ना तो क्या होता है, लड़के बुरी संगत में जाना स्टार्ट करते हैं, बुरी संगत इन द सेंस स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ड्रिंकिंग करना स्टार्ट करने, विच इज़ नॉट राइट, मैं इसके समर्थन में बिल्कुल भी नहीं हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट इस तरफ चले जाते हैं लड़के। ठीक बोला मैंने कि गलत बोला? हाँ ठीक बोला बेटा तुमने। हाँ बताओ लड़कियों की बात बताओ आप। अब लड़कियों के बारे में सुन, लड़कियों की जैसे ही पढ़ाई ख़त्म होती है वैसे ही उनके शादी के बारे में उनके ऊपर प्रेशर डाल दिया जाता है कि लड़की के लिए अच्छा लड़का ढूंढो, शादी करो इसकी, बट मैंने तो ऐसा सोचा नहीं है, मैंने तो तेरी ट्रेनिंग करवाई है अच्छे से प्लस टू के बाद, और मैंने यही बोला है तेरे को कि तू अपनी मर्जी से कर जो तेरा दिल बोलता है, ठीक है ना। पर हाँ होते हैं ऐसे कई माँ बाप जो बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं, लड़कियों के ऊपर, कि तू होगी अब 17-18 साल की होगी, ये तेरी पढ़ाई भी हो गई है, अब कोई लड़का देखेंगे तेरे लिए और शादी कर देंगे तेरी, तो एक ये अच्छी बात नहीं है। पहले के ज़माने में होता था ऐसे कि लड़कियों के ऊपर प्रेशर डाल देते थे और छोटी छोटी उम्र में उनकी शादी कर देते थे। अभी भी होता है कई जगह पे ऐसा। अब तो बच्चे चाहे लड़की है चाहे लड़का है, उनसे अच्छे से पढ़ाई कराएं और उनको जो वो चाहते हैं उनके अपने सक्सेस हो जाए जब तक तब तक शादी ना कराएं उनकी लड़कियों की, मेरा तो यही मानना है। मेरा भी यही मानना है। चलो अब हो गई लड़कियों की बात, अब बात कहते हैं, चलो लड़कियों की शादी माँ बाप ने करवा दी है ना, होगी शादी वादी होगी अपने घर चली गई, अब है लड़कों की बात। जब लड़कों की शादी की, पहले तो लड़कों को लड़कियाँ मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक अच्छे जॉब पे तो भाई लड़कियाँ देखती है स्टेटस, पैसा, बैंक बैलेंस, सब कुछ, जब तक लड़का वहाँ तक नहीं पहुँचेगा तब तक शादी होगी नहीं, बाई चांस शादी हो भी गई तो फंस जाता है वो बहुत बुरे चक्कर में, क्योंकि उस टाइम पड़ जाता है दो लोगों के बीच में, एक तरफ वाइफ और एक तरफ पेरेंट्स। तो अगर वाइफ और पेरेंट्स दोनों ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना और नहीं समझते इस बात को, तो लड़के की जो रेल बजने वाली है ना भाई साहब, वो तो वही जान सकता है, क्योंकि एक तरफ को वाइफ कुछ बोलेगी एक तरफ को पेरेंट्स कुछ बोलेंगे, वो जो कन्फ्लिक्ट्स उस टाइम पैदा होते हैं ना उसका कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है उसका, क्योंकि लड़का बेचारा फंस जाता है ना, वो इधर का रह जाता ना वो उधर का रह जाता, वो बीच में फंस जाता है और उसको खुद ही समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करूँ क्या ना करूँ, तो ना तो वो वाइफ को ही चुन पाता ना ही वो पेरेंट्स को ही चुन पाता, तो ये कितना बड़ी दिक्कत है एक लड़के के लिए, कितना प्रेशर रहता होगा उसके दिमाग के ऊपर इन सब चीज़ों से रिलेटेड,
है ना। हाँ बेटा प्रेशर पे रहते हैं। हाँ अब लड़कियों की बात बताओ जरा आप, लड़कियों की शादी होगी अब, लड़कियों की शादी करा देते हैं अगर तो पढ़ी लिखी है लड़की, फिर तो अपने घर जाके अपने आप को स्टैंड कर सकती है, और अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो फिर उसको भी दिक्कत आती है लाइफ में, फिर दूसरों के उसमें देखना पड़ता है कि पति के कहने में चलना पड़ता है, सास ससुर के कहने में चलना पड़ता है, जैसा वो बोलेंगे वैसा सुनना पड़ता है। नहीं वैसे तो सुनना भी चाहिए, वैसे सुनना भी चाहिए, वैसे भी सुनना चाहिए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सही गलत भी तो देखना चाहिए। और अगर लड़की खुद स्टैंड है अपने पैरों पर खड़ी है तो फिर उसको ऐसा तो है कि मैं खुद कमा रही हूँ, किसी के सुनने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर लड़की खुद स्टैंड नहीं है अपने पैरों पर तो फिर उसको सास ससुर की बातें सुननी पड़ती है, अगर उसके साथ मारपीट करते हैं तो फिर वो भी सहन करना पड़ता है, सारी बातें सुननी पड़ती है बेटा। तो वो तो सहन नहीं करना चाहिए ना, वो पहले ज़माने में जब सहन करते थे, अब नहीं करना चाहिए सहन, वो चीज़ें करनी पड़ती है अगर खुद लड़की स्टैंड नहीं है अपने पैरों पर तो। चलो वो तो अपना अपना है, पर वैसे नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से सहन, क्योंकि सहन करने की कोई ज़रूरत है नहीं, जब दो हाथ पांव दिए भगवान ने तो खुद कमा सकते खुद खा सकते हैं ना। चलो अब नेक्स्ट मैं बोलती हूँ, लास्ट पॉइंट है फैमिली हमारा ये, और बहुत स्ट्रांग पॉइंट है लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी। लड़के लड़की की शादी के बाद जब वो एक स्टेज पे आते हैं, जब वो पेरेंट्स बनने वाले होते हैं, तो सब लड़की की तरफ ध्यान देते हैं कि लड़की प्रेग्नेंट है भाई, इसका ध्यान रखो, बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़, जो सही बात भी है, रखना पड़ता है ध्यान, बट आप इस चीज़ में लड़कों को इग्नोर मत करो, क्योंकि एक बात बोलते हैं कि जैसे प्रेग्नेंट होते हैं ना तो दोनों प्रेग्नेंट होते हैं, एक पेट से प्रेग्नेंट होता है और एक दिमाग से, बिकॉज लड़के के दिमाग में बर्डन पड़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी जिम्मेवारियाँ बढ़ने वाली होती हैं उस चीज़ के बाद से, तो इस चीज़ को कोई नहीं सोचता कि अगर पेरेंट्स बन रहे तो दोनों पेरेंट्स बन रहे हैं, है ना। तो अगर लड़की का ध्यान रख रहे हो आप तो लड़के का भी ध्यान रखो, बिकॉज उसके ऊपर भी तो माइंड वाला प्रेशर है ना, कि अब जिम्मेवारियां बढ़ने वाली है, सब कुछ करना होगा, सब कुछ देखना होगा। तो ये मेरा एक स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब भी कोई भी प्रेग्नेंट होता है तो वो सिर्फ लेडी प्रेग्नेंट नहीं होती है, वो जो मैन होता है उसके साथ का वो भी प्रेग्नेंट होता है, बिकॉज प्रेशर दोनों तरफ सेम होता है। तो लड़कों को भी समझो, सिर्फ लड़कियों की देखभाल करना ज़रूरी नहीं है, लड़कों को भी समझो इस बात के लिए आप। चलो आप बोलो। जब लड़कियों की शादी होती है ना तो उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया जाता है घर वालों की तरफ से, सास ससुर की तरफ से, कि हमें बच्चा चाहिए, बहुत टाइम हो गया शादी किए हुए, बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया जाता है, जो कि एक बहुत गलत बात होती है। जब तक माता पिता दोनों ही तैयार नहीं है बच्चे के लिए, तब तक उनके ऊपर प्रेशर डालना गलत बात है। तो फिर अगर चलो मान लो उनके बच्चा होता भी है तो फिर भी उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता कि नहीं हमें तो बेटा ही चाहिए, जो भी है, एक ये भी एक बहुत गलत बात है। बेटा बेटी आजकल तो बराबर है, खास तौर से लड़कियों पे डाला जाता है प्रेशर। हाँ खास तौर पे लड़कियों पे ही डाला जाता है ज़्यादातर, बेटे को तो कोई नहीं बोलता है, बहू को ही बोला जाता है, अगर सही भी है बहू तो भी उसे गलत उसे ही ठहरा जाता है, अपने बेटे को तो कोई गलत नहीं बोलता है, सब बहू को ही गलत ठहराते हैं, जो कि एक बहुत गलत बात है। बेटियों को अगर बहू को भी अपनी बेटी की तरह समझे तो वो भी सास ससुर को माता पिता के समान समझेगी। तो फैमिली ये थी हमारी आज की वीडियो बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स वाली, और दोनों की मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, मम्मा ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है ना, तो ये सब कुछ देख के मुझे लगता है कि दोनों की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है यार, गर्ल हो बॉय हो दोनों की लाइफ डिफ़िकल्ट है। बट मैं समाज की बात कर रही थी कि हमारी सोसाइटी बोलती है कि गर्ल्स की लाइफ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बॉयज़ को नहीं इतना समझ आ जाता कि उनकी बॉयज़ की लाइफ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैंने बॉयज़ वाला जो है मैंने बॉय का साथ दिया है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि बॉयज़ का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है लाइफ से रिलेटेड, और सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है एक बॉय से लेके, है ना। तो आप क्या बोलते हो, दोनों की लाइफ डिफिकल्ट है? लाइफ तो दोनों की डिफिकल्ट है ना। चलो अंत में अंत भला तो सब, पर अपने बेटे को कोई समझता नहीं है ना, बेटियों बहू के ही ऊपर ज्यादा प्रेशर डाल दिया जाता है हर बात के लिए। हाँ वो तो है, बट चलो मैं समझ गई है बात की, अब पुराने ज़माने में होता था, होता हो सकता है आज भी होता हो कि लड़कियों को हमेशा गलत बोला जाता है और अपने बेटों को कोई गलत नहीं बोलता, ऐसा हो सकता है, मे भी होता हो ऐसा। तो फैमिली ये थी हमारी आज छोटी सी वीडियो, ताकि आप लोग भी समझ सके लड़का लड़की दोनों को बराबर। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करना जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पीस आउट। पीस आउट।